क्या आपने कभी बिना चकला बेलन के सिर्फ एक ग्रेटर की मदद से रोटी को बनाया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको रोटी बनाने का बहुत ही बढ़िया सा तरीका बताऊंगी, जिससे हमारा घंटों का काम हो जाएगा मिनटों में, और साथ ही साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमारे डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले ली है मटर। अब जैसे ही विंटर सीजन आते हैं, मटर काफ़ी ज़्यादा भर भर के आती है और हमें इसे यूज़ भी करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मटर सस्ती हो जाती है और इसको हम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, मतलब 1 से 2 किलो ले लेते हैं। अब इसको हम तुरंत तो नहीं ख़त्म कर पाते हैं, बहुत जल्दी से ये ख़राब होने लगती है, इसके छिलके सड़ने लगते हैं। तो इनको स्टोर करने का बढ़िया सा तरीका है, आपको कुकिंग ऑयल लेना है और इस तरह से देखिए इस पर कोटिंग कर देनी है। अब इस तरह से करने के बाद छोटा सा काम और करना है, जिससे इस मटर को हम लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। तो आपको देखिए पॉलिथीन लेनी है, जिसमें हम सब्जी वगैरह लाते हैं उसी में हमें इसको डाल देना है, और उसके बाद हमें इसमें एक गांठ लगानी है। तो एयर को भरते हुए हमें इसमें गांठ लगानी है, ताकि ये पॉलिथीन जो है बिल्कुल भी इस तरह से फुली फुली रहे और इसमें एयर बनी रहे। अब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, 15 से 20 दिन तक मटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला टिप है हमारा इस तरह के खाली ट्यूब को लेकर। तो देखिए, इस तरह के जो ट्यूब होते हैं टूथपेस्ट के, हम सभी के घर में खाली होते ही रहते हैं और इनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो इनको हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसके लिए हमें देखिए छोटा सा काम करना है, इसके बैक साइड हमें एक होल बना देना है। आप 1 से 2 होल भी यहाँ पर बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, और आप इसको अच्छे से पहले वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये काम करना है। तो इस तरह से देखिए पीछे साइड हमें यहाँ पर होल बना देना है। अब जो इसका कैप वाला पार्ट होता है, इसमें डालकर देखना है कि अच्छे से फिट हो जाता है या नहीं। तो अब आप देखिए ये अच्छे से फिट हो रहा है, तो इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ करेंगे। ये कैप हमारे बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। तो इस तरह से देखिए, जो हमारे घर में वायर होते हैं इनको हम इधर उधर रखते हैं तो ये आपस में उलझ जाते हैं, क्योंकि 1 से ज़्यादा वायर है तो ये उलझ जाता है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको टूथपेस्ट लेना है, मतलब ये टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है ना, इसको लेना है और इस तरह से करने के बाद हमें इसको ऐसे फंसा देना है, और अब आप इसका कैप बंद कर दीजिए। देखिए ये हमारा एज अ ऑर्गेनाइज़र काम करता है, और ये ट्यूब ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो जितने भी ट्यूब हैं आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद ही करना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से देखिए इसको लगा दिया है, और जब आपको वायर की ज़रूरत हो तो आप इसका कैप खोलकर इसको यूज़ कर सकते हैं और वापस से इसको देखिए इस तरह से लगा के रख सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। जब भी आपके पास खाली ट्यूब हो आप इनको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, आप इनको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक यूज आपके साथ शेयर कर दिया है, आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा आटा को लेकर। अब देखिए, आटे से हम रोटी पूरी पराठा तो डेली ही बनाते हैं, और जब भी हम इसको बच्चों को खाने के लिए देते हैं तो आपने देखा होगा बच्चे ना खाना खाने से काफ़ी ज़्यादा आनाकानी करते हैं, उनको रोटी पराठा या फिर पूरी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, वो जंक फूड ही खाया करते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो अब हम पूरी पराठा या फिर रोटी बच्चों को कैसे खिलाएँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको लेना है ग्रेटर, और इस ग्रेटर पे हमें ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर देना है। जो भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इस तरह से लगाने के बाद हमें लेनी है आटे की लोई, और इस लोई को हमें ग्रेटर पे रख देना है इस तरह से, और उसके बाद हमें कोई भी बर्तन लेना है जिसका सरफेस एकदम बराबर हो, और इसको इस तरह से देखिए हमें दबाते जाना है। अब जितना अच्छे से दबाएंगे डिज़ाइन उतना ही अच्छे से उभर के आएगा। आप देख ही सकते हैं डिज़ाइन जो है पूरा का पूरा पूरी पे आ चुका है। सेम तरह से आप रोटी में भी इसी प्रोसेस को कर सकते हैं, और इस तरह से देखिए अच्छे से प्रेस करेंगे और पूरी हमारा गोल गोल बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो ग्रेटर है ना, ये थोड़ा सा छोटा है, इसलिए पूरी का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। आप बड़े ग्रेटर में इसको करेंगे ना तो पूरी जो है थोड़ा सा बड़ा बनके तैयार होगा। अब जितना भी पूरी हमें बनाना है सेम तरह से लोई बनाते हुए हमें इसी ग्रेटर पे तैयार कर लेना है। आप खासकर इस ट्रिक को बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं,
वो इसको देखते ही खुश हो जाएंगे और हेल्दी फूड खाना शुरू कर देंगे। अब देखिए, इसको हमें इस तरह से दबाना है और फिर से हमें निकाल लेना है। यहाँ पर दो पूरी को मैंने बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइनर पूरी बन के तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं फ्राई करके कि इन पूरी का डिज़ाइन किस तरह से आता है। तो इसके लिए देखिए हमें ऑयल को हल्के से गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा जलता हुआ ऑयल हमें नहीं चाहिए, मीडियम ऑयल हमें लेना है और इस पूरी को डाल देना है। क्योंकि पूरी का साइज़ थोड़ा सा मोटा है तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। और अब देखिए पूरी जो है गुब्बारे जैसी फूल के तैयार हो चुकी है। अलट पलट करके इसको हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है, या फिर जैसा आपको पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही पूरी को मैंने फ्राई कर दिया है। बहुत ही बढ़िया गुब्बारे सी पूरी बन चुकी है और इसमें डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से आ चुका है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरह से हम इसको ट्राई करके देखेंगे और बच्चे बहुत ही हेल्दी फूड खाना शुरू कर देंगे। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा नेल पेंट को लेकर। तो देखिए नेल पेंट लगाना हम सभी लेडीज़ को बेहद पसंद होता है, लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम नेल पेंट को लगाते हैं उसके बाद ये बहुत जल्दी से रिमूव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कभी कभी हमें कपड़े और बर्तन तो डेली ही धोने होते हैं तो नेल पेंट बहुत जल्दी से रिमूव हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये नेल पेंट जल्दी से ना रिमूव हो, आपको लेना है वैसलीन। और जब भी आपको कपड़े या फिर बर्तन धोने हैं उससे पहले हमें इस प्रोसेस को करना है। इस तरह से देखिए थोड़ा सा वैसलीन लेना है और जहाँ पर भी हमने नेल पेंट को अप्लाई किया है, मतलब नेल्स पे, वहाँ पे हमें इसको लगाते जाना है। इस तरह से देखिए सारे ही नेल्स पे हमें यही प्रोसेस करनी है। अब इस तरह से लगाने के बाद आप बर्तन धोएं या फिर कपड़े धोएं, आप देखेंगे बिल्कुल भी नेल पेंट रिमूव नहीं होगा, क्योंकि इस पे हमने वैसलीन को लगाया हुआ है जिससे कि इस पे पानी नहीं टिकता है, एक लेयर नेल पेंट पे बन जाती है जिससे हमारा नेल पेंट जो है लॉन्ग टाइम तक चल जाता है, जल्दी से रिमूव नहीं होता है। और वैसलीन तो हम सभी के घर में होता ही है, तो आप इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है चकला और बेलन। अब देखिए इससे हम रोटियाँ तो डेली ही बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने चकले बेलन को धोने के लिए रख दिया है, अब ये गीला हो चुका है और किसी फैमिली मेम्बर को एक या फिर दो रोटी और चाहिए, तो उस केस में हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए बढ़िया सा ट्रिक है, आपको लेना है एक प्लेट और इस तरह से लोई को हमें रखना है, उसके बाद दूसरा प्लेट लेना है, उसकी मदद से इसको हमें दबा देना है और उससे पहले हमें थोड़ा सा इस पे पलथन डाल देना है ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना, या फिर आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए दो प्लेट के बीच में इसको हम दबाएंगे और आप देखेंगे कि हमारा बहुत ही बढ़िया सा गोल रोटी बनके तैयार हो जाएगा, वो भी बिना किसी चकला और बेलन के। तो जब भी आपके साथ इस तरह की दिक्कत आ जाए, चकला बेलन गीला हो या फिर किसी और काम में यूज़ किया हो, तो आप इस तरह से प्लेट की मदद से रोटी को बना सकते हैं, है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद। जैसे ही विंटर सीज़न आते हैं हम सभी लोग स्वेटर जैकेट तो वियर करते ही हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है जो स्वेटर होते हैं ना, इनमें बहुत जल्दी से रोएं आ जाते हैं। अब इस तरह से अगर हम इनको पहना दें बच्चों को या फिर हम खुद वियर करें तो काफ़ी ज़्यादा देखने में भद्दा लगता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि इन रोएं को हम अच्छे से रिमूव कर पाएँ, वो भी बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि एक एक रोए को खींचेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए देखिए हमें लेनी है कंघी, और कंघी तो हम सभी के घर में होती है। तो आपको क्या करना है, इसके जो पतले साइड दांत होते हैं उनको इस तरह से देखिए स्वेटर पे लगाना है। अब जितने भी रोएं हैं इस कंघी में फंसते चले जाएंगे और साथ ही साथ टूटते भी जाएंगे, इससे एक साथ कई सारे रोए टूटेंगे और हमें एक एक करके इन्हें तोड़ना भी नहीं पड़ेगा और हमारा स्वेटर भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो आप देख ही पा रहे होंगे जितने भी रोएं हैं ये कंघी के अंदर आते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कितने सारे रोएं इसमें निकल के आ चुके हैं। जितना भी स्वेटर है, जहाँ पर भी रोएं हैं, आपको यही काम करना है और आप देख ही सकते हैं कितना अच्छे तरीके से रोएं बहुत ही कम टाइम में निकल जाते हैं। आई होप आपको ये कंघी वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहाँ से
से देख सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।